हाँ मित्रों, आज हम लोग जनपद चमोली के चमोली में ही है, चमोली रुद्रप्रयाग, चमोली रुद्रप्रयाग शायद। कार्तिक स्वामी एक बहुत खूबसूरत जगह है, उसका वीडियो अपलोड करूंगा, अभी नेट नहीं चल रहा है, इसको भी शायद थोड़ी देर बाद करूंगा। तो आज जो मैं आपके साथ काफ़ी समय से शेयर करता रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रोसीज है स्वर्षिया चिरैता। एक्चुअल स्वर्षिया चिरैता मैंने जब मुंशियारी से आपको एक वीडियो अपलोड करवाया था किया था, तो उसमें मैंने आपको उसकी पहचान बताई थी। यहाँ पे फ्लावरिंग स्पेसिमेन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे को ये पता था कि अनुमान था कि यहाँ पे चिरैता होना चाहिए, तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा चिरैता होना चाहिए यहाँ पे, तो एकदम दिख गया मुझे। और इसको भगवान की कृपा से मैं आँख पर पट्टी बांधूंगा तभी समझ जाऊँगा यहाँ पर चिरैता है। तो ये आप देख लीजिए, ये है साहब एक्चुअल जिसे कहते हैं। अगर आप इसका, मैं तो नहीं क्योंकि मेरा फास्ट है और ये कड़वा हो जाएगा तो मैं शाम तक मेरा मुंह कड़वा ही रहेगा, तो इसका अगर आप इतना मुंह में डाल देंगे, चलिए डाल लेता हूँ, इतना कड़वा होता है। अब ये जो है शाम तक जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा ये कड़वापन जाएगा नहीं। तो इसकी यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, लगभग 200-300 मीटर के एरिया में है यहाँ पे, और ये ऐसी ही जगह पे होता है, ये देख लीजिए अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पे, अच्छी पॉपुलेशन है। और यहाँ देख लीजिए, ये है एक्चुअल जिसे कहते हैं, जिसके पीटल्स के बेस पे दो फ्रिंज डॉट होते हैं, ग्लैंड्स। ये स्वर्षिया चिरैता में ही होता है, बाकी में नहीं होता है। जो पीटल्स के बेस पे जो ग्लैंड्स होती हैं उसी पे इसका आइडेंटिफिकेशन होता है स्वर्षिया का। तो स्वर्षिया चिरैता के पीटल के बेस पे दो ग्लैंड्स होती हैं, फ्रिंज्ड होती है, फ्रिंज्ड होती है। तो ये है एक्चुअल स्वर्षिया चिरैता, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड के अंदर इसकी नेचुरल पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, बहुत रेयर हो गया है ये, मेनली बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्योंकि इसका जो, अब आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके का इसका क्लाइमेट है, बिल्कुल एकदम ढलान, अबाउट 80% आप इसका ढलान देख रहे हैं, और एकदम लूज सॉइल, ये देख रहे हैं आप, एकदम मौसी सॉइल के ऊपर, एकदम लूज सॉइल, ये आप ऐसे उठाएंगे तो निकल जाएगी। इसको इस तरीके की सॉइल चाहिए, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये, और इसकी जो औषधीय गुणवत्ता है मित्रों, ये जो है संजीवनी से कम नहीं है मलेरियन फीवर में। और एक ट्रेडिशन था बहुत पहले कुमाऊँ में क्या करते थे कि छोटे बच्चों को इसका काढ़ा पिलाते थे, तो इंक्रीज देयर इम्यून सिस्टम। लेकिन अब स्वर्षिया चिरैता ही नहीं, तो काढ़ा कहाँ से, अब वो कल्चर रह भी नहीं गया, अब तो अधिकतर पिज्जा और मोमो पे चले गए हैं, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है शरीर के स्वर्चरेटिन, इसमें मेन कंपाउंड होता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, और मलेरियल फीवर में ये बहुत बढ़िया काम करता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स फॉर ब्लड प्योरिफिकेशन। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं, ये देखिए इसकी जो पॉपुलेशन है, अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पे, अच्छी तरीके से पहचानवा दीजिए। और अच्छी पॉपुलेशन है, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट है इसका, कभी है अभी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आइएगा, ये एक अच्छा सा यहाँ पे कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करीब 20-25 पौधे यहाँ पे हैं इस क्लस्टर में। तो ये आप देख सकते हैं कि थैंक गॉड कि दिस इज़ नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्शन, बट दिस इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। एंड आई होप एंड रिक्वेस्ट टू नेचर कि इसके रीजनरेशन को बढ़ाते रहें माते, और ये हमारी प्रकृति की सेवा करते रहे, और भविष्य में ये जनमानस के काम आता रहे। तो इसी के साथ आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, आज सप्तमी है, उसकी बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।